दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आहार बताने वाले हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं, नियमित डाइट में उनको शामिल करते हैं, तो आपको आंखों से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है तो वो परेशानियां अपने आप दोस्तों खत्म हो जाती है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको भी अगर आंखों का चश्मा आ गया है या फिर उनकी आंखें कमजोर हो गई है तो इन चीजों को उनकी डाइट में शामिल करें। ये चीजें उनकी आंखों के लिए दोस्तों बहुत बेनिफिशियल होती है, फायदेमंद दोस्तों होती है। दोस्तों आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है, इनमें बहुत सारी बारीक शिराएं होती है जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाती है या फिर शरीर में होने वाले कुछ रोगों का असर भी हमारी आंखों पर पड़ता है, जिनके प्रभाव से उम्र से पहले ही आंखों की रोशनी कम हो जाती है या फिर पूरी तरह से चली जाती है। पहला है दोस्तों गाजर। जी हाँ दोस्तों, गाजर आंखों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट आंखों के साथ साथ पूरे शरीर को दोस्तों फायदा पहुंचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में भी दोस्तों मदद करते हैं। एक शोध में दोस्तों पाया गया कि गाजर के सेवन से नाइट विजन यानी कि कम रोशनी में देखने की क्षमता दोस्तों तेज होती है, अंधेरे में देखने की क्षमता तेज होती है। नेक्स्ट दोस्तों आप फैटी फिश का सेवन कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो इस चीज का आप सेवन कर सकते हैं। फैटी फिश दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आंखों की रोशनी के लिए ओमेगा एसिड बहुत लाभकारी होते हैं। थर्ड है दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप सेवन कर सकते हैं सूखे मेवों का। जी हाँ दोस्तों, आंखों के लिए सबसे फायदेमंद जो होता है वो होता है दोस्तों किशमिश, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। रोजाना किशमिश खाने से आंखों की कमजोरी, शरीर में कहीं भी मसल्स डैमेज हो गए हैं या फिर मोतियाबिंद हो गया है तो उसमें बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा आप बादाम का सेवन कर सकते हैं, काजू का, सूखी खुबानी का अगर आप सेवन करते हैं तो भी ये आंखों के लिए लाभकारी होती है। फोर्थ है दोस्तों अंडा। जी हाँ दोस्तों, अंडा भी हमारी आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। दोस्तों हमारी आंखों में कैरोटीनॉइड्स की अगर कमी हो जाती है तो आंखों के सेल्स में दोस्तों कमी आनी शुरू हो जाती है, और अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स को ये पूरा भरपूर करता है यानी कि उसकी कमी को ये दूर करता है। अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है, यानी कि अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आप उसके पीले भाग को भी जरूर सेवन करें, इससे आपकी आंखों को बहुत लाभ होता है। और पांचवा है दोस्तों हरी सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, आंखों की अगर आपको समस्या है तो हरी सब्जियां आपके लिए फायदेमंद होती है। हरी सब्जियों में दोस्तों विटामिन ए जो होता है वो काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पालक, पुदीना, मेथी, बथुआ, सेम, बीन्स आदि का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आंखों के लिए फायदेमंद होती है। विटामिन सी के सेवन से भी दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ती है। पाइनएप्पल, तरबूज, अंगूर इत्यादि में विटामिन ए भी काफी अच्छी मात्रा में होता है और सी भी पाया जाता है, तो अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों की कोई भी समस्या है तो वो इन चीजों के, इन पांचों चीजों के सेवन से दोस्तों दूर होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।